किसान भाइयों, सबसे ज्यादा खतरनाक घास इस समय दो घास है। पहली घास है गाजर घास। तो गाजर घास तो मान लीजिए काट के हटा सकते हैं, तो ये पहली घास है जो किसानों के खेत में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। और दूसरी घास है मोथा घास, जो आप देख रहे हैं ये मोथा घास है। और मोथा घास का जो सबसे मेन रीज़न है कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा खेत लग गया था, तो यहाँ पे मोथा घास जो है 3 दिन पहले खेत लगा था, कितनी मात्रा में जमा हो गया है। और यहाँ पे खेत जो है नहीं लगा था, यहाँ पे घास का जमाव नहीं हुआ है। पानी की जहाँ मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पे मोथा घास ज़्यादा पैदा होती है, लेकिन जैसे जो एरिया गन्ने का बेल्ट होता है वहाँ पे पानी ज़्यादा देना पड़ता है। तो पानी अगर ज़्यादा देना पड़ता है, जैसे सब्जी का एरिया है तो सब्जी के एरिया में पानी ज़्यादा देना पड़ता है, तो वहाँ पे मोथा जो है वो ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है। और जहाँ पे आजकल सिंचाई नहीं करनी पड़ती है, जैसे गर्मियों के दिनों में, वहाँ पे मोथा जो है वो कम पैदा होता है। तो ये देखिए आप, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी कोई घास नहीं है, और मोथा घास तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप जैसे ही जो है उसमें घुसेंगे, जहाँ पे पानी लग गया है वहाँ पे मोथा घास बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में जम रही है। और हमें तो लगता है कि आने वाले 4-5 दिनों में बिल्कुल ये घास से पूरा प्लाट ही भर जाएगा मोथा घास से। इसकी जड़ जो है वो 7 मीटर नीचे तक होती है, 21 फीट नीचे तक होती है। और इसका जाना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी कंपनियों की बहुत सारी दवाएँ आती हैं, और उन दवाओं का अगर सही प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाए तो संभावना है कि मोथा घास चली जाती है, लेकिन 1-2 साल में फिर वो वापस आ जाती है। तो ये इसका मेन रीज़न यही है कि अगर गर्मियों में सिंचाई हो रही है खेत की, तो उस खेत में मोथा घास होगी, और अगर नहीं हुई है तो धीरे धीरे हो जाएगी। तो मोथा घास का ये जो है मेन टॉपिक था किसान भाइयों, इसको आप लोगों ने जाना। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। हाँ, पहली बार अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो है जिससे कि आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ इस चैनल पर मिलती रहे। धन्यवाद।